डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पहुंचे सचिन पायलट। डॉक्टर सीपी जोशी से सचिन पायलट ने मुलाकात की है, तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जोशी जी के साथ पुराने संबंध हैं, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आज उनका एक निजी कार्यक्रम था और मैं शाम को उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज सुबह इनसे मुलाकात करी, अनौपचारिक अनऑफिशियल मुलाकात। सोनिया गांधी को विषकन्या कह रहे हैं कर्नाटक में विधायक, तो ये राजनीति, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है नेताओं के खिलाफ, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मर्यादाओं को लांघ कर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना राजनीति में एक बहुत ही नकारात्मक उदाहरण दिया जा रहा है। और सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, और उनके प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। तीन नए से प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी थे रंधावा साहब ने, आपको लगता है कि चुनाव से पहले क्योंकि कल तो समय समय पर संगठन में बदलाव होते रहते हैं और चुनाव सर पर हैं, 6 महीने दूर हैं, इसलिए लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और मुझे लगता है कि इसका अच्छा संकेत जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जो AICC के प्रतिनिधि हैं या जो संगठन का काम संभाल रहे हैं, वो धरातल पर जाएँ, लोगों से बात करें, कार्यकर्ताओं की भावना को समझें। और मैंने खुद भी सुझाव दिए हैं AICC के अंदर और मुझे लगता है उस पर अमल करना चाहिए। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के खुलासे के बाद में अब अमित शाह कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सतपाल मलिक से पूछताछ हो रही है CBI, तो किस तरफ जा रही है राजनीति? देखो, राजनीति में आज मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति, उनकी भाषा, उनके स्टेटमेंट्स पर चर्चा होती है, लेकिन जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने सारे हमारे नौजवान पहलवान बैठे जंतर मंतर पर, उस पर कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद FIR दर्ज हो रही है। आप समझ लीजिए, जहाँ पर FIR दर्ज होना एक स्वाभाविक सी बात है और जिन खिलाड़ियों ने हमारे लिए मेडल जीते हैं, नाम रोशन किया है, और इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने काम नहीं किया, तो इस स्पष्ट है कि वो अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत चरम पर है, महंगाई है, और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाहती है। और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से बहुत मजबूत है और भाजपा का जो प्रचार है वो सिर्फ भय और डराकर वोट लेने की प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो एक्सटेंसिव कैंपेन हुआ है और जो रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।